इस मिदं सर्वम्, अर्थात प्रकृति के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, ऐसा मेरा मानना तो है ही। लेकिन साथ ही साथ हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इस वक्तव्य पे, इस धारणा पर पूर्णतः विश्वास करते थे। वे मानते थे कि प्रकृति में जितनी भी संपदाएं हैं, प्रकृति में व्याप्त जो कुछ भी है, वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकता है, किंतु किंतु उसकी महत्वाकांक्षाओं की नहीं। गांधी जी कहा करते थे कि पृथ्वी, अग्नि, जल, पृथ्वी, जंगल, जो कुछ भी प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है, वो हमारे पूर्वजों की धरोहर नहीं है। हमें जो भी प्राप्त हुआ है, हमें उसी हालत में, उसी कंडीशन में अपने आने वाली पीढ़ी को उसे सौंपना होगा, ताकि वे भी इसका सदुपयोग कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। नमस्कार, मैं रवि सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का गुरुज आश्रम में। आज आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कैसे हुई थी शुरुआत इस दिवस की, तो आपको बता दें, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972, 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की ने एक पर्यावरण आधारित एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत उन्होंने प्रकृति के संरक्षण और इसमें व्याप्त प्रदूषण को, पॉल्यूशन को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए, मानव जीवन को, मानव जाति के जीवन को और बेहतर सुगम बनाने के लिए इस दिवस की मांग की थी, और 1972 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको स्वीकार किया। तब से लगातार हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। इस दिवस का जो संकल्पना है, वो मात्र मानव जाति तक सीमित नहीं, व्यक्ति, सरकार, निजी संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, सभी मिलकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में, पर्यावरण को सुगम बनाने में लगातार निरंतर कार्य। इस वर्ष का जो हमारा थीम है, इस वर्ष का हमारा थीम है बी प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन जो लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम की हम बात करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, आप लोग बार बार न्यूज में पीएम की बात करते हैं। ये पीएम आखिर कहां से आते हैं, पीएम कण कहां से आते हैं? प्लास्टिक कचरे से, प्लास्टिक प्रदूषण से, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पीएम पार्टिकल्स को बढ़ावा देती है। ये हमारी जान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये हमारी श्वास नलिका में प्रवेश कर हमें अस्थमा का मरीज बना सकती है, हृदय घात जैसी संबंधित, ये हृदय से संबंधित बीमारियों के लिए हमें हमारे अंदर ये बहुत ज्यादा नुकसानदायी हो सकता है। आगे बात करें इस दिवस के महत्व की, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर मैं बात करूं, हम लोग दिल्ली शहर के अंदर रहते हैं, जो भारत की राजधानी है। कहा जाता है कि दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सिगरेट पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बिना सिगरेट पिए हुए भी लगभग दिन में 2 सिगरेट पी जाता है। कारण, पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने मिलकर भारत, दिल्ली एनसीआर से लगभग लगभग इंडस्ट्रीज को समाप्त कर दिया, हटा दिया, दूर कर दिया, ताकि दिल्ली के पर्यावरण को स्वच्छ किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद लगातार बढ़ती जनसंख्या, व्हीकल्स, वाहनों का लगातार बढ़ना, उससे निकलने वाले कार्बन ने पर्यावरण को और भी ज्यादा दूषित किया, और आज हम लोग गैस चैम्बर में जी रहे हैं। तो इस दिवस की अगर हम महत्वता की बात करें, यदि एक केवल ये दिन, एक दिन हम मनाते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका उद्देश्य है प्रकृति से, पर्यावरण से प्रदूषण को दूर करना, वातावरण को शुद्ध करना, और साथ ही साथ ग्रीनरी, पेड़ पौधे लगाना। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करें तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम पूरी जनसंख्या मिलकर विमोचित करते हैं, उसका लगभग 50% शैवाल, पेड़ पौधे,
शैवाल अकेले 50% उसका क्या कर लेते हैं, अवशोषण करते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन। यदि ये पेड़ पौधे ना रहे तो क्या होगा, हमारा सांस लेना दूभर हो जाएगा, हम जी नहीं सकते, हमारा जीवन यापन बेकार हो जाएगा। महंगी महंगी गाड़ियां, आजकल एयर प्यूरिफायर्स भी आ रहे हैं, हवा को शुद्ध करने के लिए आप अपने घर में एयर प्यूरिफायर्स लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वातावरण बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। तो इस दिवस की महत्वता ये बताती है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है, कचरा नहीं फैलाना है, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना है, जो हम प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक पॉलिथीन या जो भी हम चीजें यूज करते हैं उनका कम से कम यूज करें और उनके डिकम्पोजिशन भी ख्याल रखें। और साथ ही साथ अपने आसपास यदि हम 10 पेड़ काटते हैं तो हम 100 पेड़ लगा भी सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, इस बार टाटा आईपीएल आप सभी ने देखा होगा, टाटा आईपीएल के अंदर एक खास बात थी, अगर आप लोगों ने कॉमेंट्री में ध्यान दिया हो तो प्रत्येक डॉट बॉल पे टाटा ने एक प्रॉमिस किया था कि जितनी भी डॉट बॉल्स बॉलर्स फेंकेंगे पूरे आईपीएल के दौरान, हम पर डॉट बॉल पे 500 पेड़ों को लगाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। मैं कहूँ लगभग 210 गेंदें, मुझे जहां तक याद है आखिरी मैच मैंने देखा नहीं, तो लगभग 210 गेंदें फेंकी गई, यानी कि आप सोच सकते हैं कि 1 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव था इस बार टाटा आईपीएल का, इसकी सराहना करते हैं। तो आप लोग भी अपने आसपास जब भी आपको समय मिलता है, एक पेड़ दो पेड़ जहां भी आपको लगता है आपको लगाना चाहिए और इस भागीदारी में जुड़ना चाहिए। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि इस पर्यावरण से संबंधित भारत ने, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भारत ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। तो ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, ये बहुत बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत ने इस बार जो कुल वन आवरण क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र हमारा आप सभी जानते हैं लगभग 32,87,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, उस पे 21.71% का वन आवरण क्षेत्र है, जो 2019 में 21.67 था, 2017 में 21.57। अगर मैं कुल वर्ग किलोमीटर की बात करूं तो इस बार लगभग 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पर कुल वन आवरण स्थित है। इसके साथ साथ वनों के बढ़ने से हमारे देश में शेरों, बाघों, हाथियों, गैंडों और तेंदुओं की जो प्रजातियां कम होती जा रही है उनकी भी आबादी धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। जैसे आप सभी ने सुना होगा न्यूज में काफी ज्यादा था कि सफेद चीते लाए गए हैं, सफेद बाघों को लाया गया है भारत, उससे क्या होगा, उनको एक अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, उनकी परख बढ़ेगी, उनकी आबादी बढ़ेगी, तो ये भी एक पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है। दूसरी ओर मैं बात करूं, भारत ने लगातार जब से हम बात करते हैं पेरिस कॉन्वेंशन की, हम COP21 की बात करते हैं, तो COP21 पेरिस समझौता, SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हम करते हैं, तो वहां पर जो 17 गोल डिसाइड किए गए थे उसमें से पर्यावरण संरक्षण, कार्बन विमुक्ति, पॉल्यूशन से मुक्ति, ये सभी चीजें भी वहां पर लाई गई। तो भारत ने इस कड़ी में काफी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। जैसे कि अगर हम बात करें गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से विद्युत स्थापना करना, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा की तरफ हम जा रहे हैं, हम परमाणु ऊर्जा की ओर अग्रसर हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो भारत लगभग 70% कुल विद्युत उत्पादन का 70% कोयला आधारित संयंत्रों से बिजली उत्पादित करता था, लेकिन अगर मैं अब की बात करूं तो अब ये घटकर 55% रह गया। अब कुल विद्युत ऊर्जा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सौर ऊर्जा का प्रतिशत बढ़ा है, सौर ऊर्जा से लगभग 48.55 GW विद्युत का उत्पादन किया, पवन ऊर्जा से 40 GW, लघु जल विद्युत परियोजनाओं से लगभग 5 GW, जैव ऊर्जा से लगभग 11.5 GW की बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं जो है उनसे 46.51 GW बिजली उत्पादित की जा रही है। और दुनिया में भारत चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता वाला देश भी है। इसके साथ साथ इथानॉल प्रोग्राम, इथानॉल क्या करता है, जब पेट्रोल में इसको मिलाया जाता है तो इससे जो पॉल्यूशन है उसमें कमी आती है,
2013, 12, 13, 14 की अगर हम बात करें तो पेट्रोल के अंदर लगभग 1.5% इथेनॉल का सम्मिश्रण किया जाता। 2019 में ये 2019-20 में 5% था, लेकिन इस बार 2023 में, 22 की बात करें, 22-23 की बात करें, तो 2022 के पहले ही 5 महीनों में हमने इसको 10% तक हासिल किया। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2020 से 25 के बीच हम इथानॉल का जो सम्मिश्रण है उसको 25%, 20 से 25% तक ले जाने का, 3 वर्षों के अंदर हमने 10% के टारगेट को हासिल किया और आने वाले समय में इसको भी हासिल कर लिया। आप जानते हैं एथेनॉल का सबसे बड़ा जो उत्पादकता है वो गन्ने से होती है, शुगर मिल से होती है। उसको सड़ाया जाता है, फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है, उससे एथेनॉल बनता है, फिर उस एथेनॉल को पेट्रोल के अंदर मिश्रित करके विभिन्न ईंधन स्टेशनों पर भेज दिया जाता है। तो ये भी एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ पर्यावरण से संबंधित कुछ और प्रोग्राम्स भी भारत ने चलाए हैं। अक्षय ऊर्जा, अभी आपको बताया मैंने, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारी बातें हम करते हैं, ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब तक कुल 150.54 GW बिजली हम अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से उत्पादित कर चुके हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एक बड़ी ही अच्छी रिपोर्ट है, एक आपने सुना होगा, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ वो कहता है कि रिन्यूएबल एनर्जी को भारत ने किस प्रकार से ऊपर ले गया है, किस तरह से ऊपर ले गया, यूपी में, यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में रिन्यूएबल एनर्जी को शेप करने के लिए, सोलर एनर्जी के प्लांट्स, ट्री, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री भारत में लगा हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारे लिए। विंड एनर्जी लगातार ऊपर जा रही है, थर्मल एनर्जी की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं, बायोमास एनर्जी, गोबर जो पहले खाद के रूप में यूज किया जाता था, उन बायोमास से जो भी जैव अपशिष्ट हुआ करते थे उनसे विद्युत का, उनको एज अ ईंधन यूज करना, एज अ एनर्जी फ्यूल यूज करना और आगे ले जाना। तो ये सभी चीजें हैं। इसके साथ साथ कुछ और प्रोग्राम्स भारत ने चलाए हैं, कुछ और कार्यक्रम चलाए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा NAP, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। इसमें क्या था कि अपने आसपास वनों के पुनर्वास और वनों के आसपास वनीकरण पर केंद्रित था, यानी जो वनों के आसपास कटाई हो गई है, खेती के लिए नई नई बिल्डिंगें, घर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो वनों की कटाई हुई उसके आसपास नए पेड़ों को लगाकर वापस से वनाच्छादित क्षेत्रों को बढ़ाना, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन GIM, ये क्या था, जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करना जिसका उद्देश्य जलवायु अनुकूलन, शमन रणनीति और वृक्षों के आवरण में सुधार और वृद्धि करना। इसके साथ साथ जैव विविधता पर लगातार काम किया जाए, इसमें गिरावट देखी गई है, इसमें विखंडन देखा गया है, प्राकृतिक आवासों के नुकसान की वजह से। अब कई बार आप देखते हैं खबरों में आता है कि कुछ जंगली हाथी गांव में आकर उन्हें गांव को तहस नहस कर, क्यों आ रहे हैं वो हमारे क्षेत्रों में, शहरों में क्यों आ रहे हैं, गांवों में क्यों आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनका खुद का आवास नष्ट किया जा चुका है, उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुका है, जिसकी वजह से वो हमारे क्षेत्रों, तो यदि उनको उनका घर मिल जाएगा तो वो यहाँ पर नहीं। इसके साथ साथ ग्रामीण आजीविका योजना, जिसमें मनरेगा आपने सुना है, जिससे तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, नए नए उद्यान, पार्कों वगैरह को बनाया जा रहा है, जिसमें पेड़ों को लगाया जा रहा है, पौधों को लगाया जा रहा है, जिससे क्या होगा, और ज्यादा प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उनमें बढ़ोतरी होगी और गांधी जी के उस संकल्प को हम पूरा कर पाएंगे कि प्रकृति जो हमें जैसे मिली थी हम वैसे ही अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपे, ये हमारा दायित्व। दोस्तों आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि अपने आसपास पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, साफ रखने में जितना हो सकता है सहयोग करें, और हो सकता है, मैं ज्यादा नहीं कहता, अगर 1 साल में 10 पेड़ भी अगर हर एक व्यक्ति लगाने लगेगा आने वाले समय में, ये बहुत ज्यादा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अनुकूल। जैसे कि आप सभी जानते होंगे ब्राजील के जंगलों को पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है, फेफड़े कहा जाता है। जैसे हमारे फेफड़े क्या करते हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करते हैं, ऑक्सीजन को रक्त के अंदर मिलाते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन विभिन्न क्रियाएं करता है। सेम उसी प्रकार से पृथ्वी के लंग्स कहे जाने वाले ब्राजील के जंगल,
है, तो मिलते हैं फिर गुरुज आश्रम, ऐसे ही और नए वीडियोस आपके साथ लाता रहेगा, शेयर करता रहेगा, महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।